गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन 23 ऑपोजिट। दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर लेसन, लेसन नंबर 23, सी पेज नंबर 30। ही इज़ अ टॉल मैन। हम अगर एक जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, ही इज़ अ टॉल मैन, इसमें जस्ट ऑपोजिट, टॉल का क्या होता है, शॉर्ट। ही इज़ अ शॉर्ट बॉय। ठीक है, एक टॉल का ऑपोजिट क्या होता है, शॉर्ट होता है। सेकेंड, हियर द वर्ड टॉल एंड शॉर्ट आर ऑपोजिट इन द मीनिंग। जो मैंने बोला भी कि यहाँ पे टॉल और शॉर्ट का ऑपोजिट, टॉल का ऑपोजिट क्या होता है, शॉर्ट। एक्सरसाइज ए, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस, टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें इसके हेल्प से, जो यहाँ पे बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में जो वर्ड्स है उसकी हेल्प से ऊपर के जो भी हम ऑपोजिट्स हमें मैच कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने दिया है न्यू, न्यू का ऑपोजिट क्या होता है, ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड। सेकेंड, हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट। ठीक है, लाफ, क्राई, लाफ मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना। फास्ट, स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू, फास्ट का मीनिंग तो सबको पता है जल्दी, स्लो मतलब एकदम धीरे धीरे। हैवी, लाइट, हैवी का मीनिंग भारी और लाइट मतलब हल्का। वीक, स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग। वाइट, नैरो, एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू, नैरो, वाइट, नैरो। ईजी, डिफिकल्ट, ईजी, डिफिकल्ट, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी, डिफिकल्ट। ठीक है, सी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे भी नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, देखो यहाँ पे आपको उसको उसके ऑपोजिट्स नीचे से आपको लेके वहाँ पे लिखना है। दिस बॉक्स वॉज फुल ऑफ स्वीट्स एस्टरडे बट नाउ इट इज एम्प्टी। फुल का ऑपोजिट क्या होता है, एम्प्टी, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी। फुल ऑफ स्वीट्स मतलब दिस बॉक्स वॉज फुल ऑफ स्वीट्स, कल ये बॉक्स पूरा क्या था, स्वीट से भरा हुआ था, बट आज ये बॉक्स एम्प्टी है, खाली है। रीमा इज अ वाइड अवेक, अ वाइड अवेक, बट सलमा इज फास्ट अस्लीप। रीमा इज अ वाइड अवेक बट सलमा इज फास्ट स्लीप, अवेक का ऑपोजिट है स्लीप। माई फादर इज केयरफुल ड्राइवर, माई फादर इज केयरफुल ड्राइवर, बट माई अंकल इज वेरी केयरलेस। केयरफुल का ऑपोजिट क्या होता है, केयरलेस। फोर्थ वन, द गेंट व्हील फर्स्ट वेंट अप देन केम डाउन। ठीक है, आपका डाउन। दैट फेंस इज वेरी हाई बट दिस वन इज क्वाइट लो, हाई का लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है। ओके, सी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर लेसन नंबर 24, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, अ क्वेश्चन ऑलवेज बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, देन क्वेश्चन मार्क होता है। ऐसे क्वेश्चन मार्क हम करते हैं ना, वैसे क्वेश्चन मार्क होता है। वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दे आर नोन एज क्वेश्चन वर्ड्स। वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर नोन एज क्वेश्चन वर्ड्स। What is this? हम पूछते हैं what is this? तो this is a cat. What is this? This is a cat. Where is the clock? Where is the clock? The clock is on the table. The clock is on the table. See exercise. Look at the picture and fill in the blanks with what, why, where, who or which. अब देखो, dash is the बॉयज हैंड, डैश इज द बॉयज हैंड, क्या है वो, वेयर,
वेयर इज द बॉयज हैंड, हम क्या बोलेंगे, वेयर इज द बॉय हैंड, कहाँ है उसका हाथ. डैश इज मीना डूइंग, मीना क्या कर रही है ना, मीना क्या कर रही है, वॉट इज मीना डूइंग, वॉट इज मीना डूइंग. देखो पिक्चर में क्या है, टू एक बॉय है और एक ओल्ड मैन है, तो हु इज दैट मैन, वो बच्चा क्या बोल रहा है, हु इज दैट मैन. फोर्थ वन, देखो एक ओल्ड लेडी जा रही है तो उसको बोलेंगे वेयर इज द ओल्ड लेडी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, मैंने अभी हिंदी में बोला ना कहाँ जा रही है ओल्ड लेडी, वेयर इज द ओल्ड लेडी गोइंग. नेक्स्ट में देखो बलून दिख रहा है पिक्चर में, एक बच्चा बलून लेके बचा है, वेयर इज द बिग, विच इज द बिगर बलून, देखो उसके पास टू बलून है तो इसलिए बोल सकते हैं विच इज द बिगर बलून. ठीक है, इसको आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं. ठीक, ओके, इसको टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है आपको. ओके, थैंक यू.